सारे पत्रकार साहबान का मैं स्वागत करदा। ऐसी अज कैबिनेट दे विच कुछ महत्वपूर्ण फैसले शहरां दे पिंडां दे लोकां वास्ते अच्छे फैसले ले। मैं जद अपोजिशन लीडर सीगा ता साड़े एक पिंड सी माजरा, उथे मैनू बीबिया ने रोक लिया। अखे जी चार दिन हो गए साडे पिंड दे विच पानी नहीं आया, खबर लगी सी गया मैं वैसे तां सी उथे, बीबिया ने रोक लिया मैनू कि जी साडा कनेक्शन कट हो गया है, जेड़ा साडा पिंड दा ट्यूबवैल है उहदा साडा बकाया जमा नहीं होया, इस करके साडा कनेक्शन कटिया गया, साडा तां पानी रुकिया होया, सानू नहाण ते औखे है। कारण क्या सी कि पिंड दी पंचायत टैंकी नूं चलांदी है, टैंकी दा बिल काफी समय तो लमकिया होया सी, पिंड समर्थ नहीं सी जमा करवाउण दे और बिजली आले कनेक्शन कट गए। सरकार अकाली दल दी सी, तां तुसीं उहनां दिनां शायद फोटो भी अखबारां देखी होवे, मैं आप खंभे पर चढ़ के मैं कईयां नूं कहा यार लगा दो कनेक्शन, मैं खड़ा कोई गल नहीं देख लांगे, लेकिन हर कोई डरदा चढ़े ना, सरपंच नूं कहा कहिंदा मैं भी नहीं चढ़दा जी। अल्टीमेटली पानी का पिंड च पहुंचाउणा सी, मैं आप खंभे पर चढ़ के उहनां दा कनेक्शन लगाया। ये 2016 दी गल है जद मैं ओपोजिशन लीडर सी, जद मैं सोचिया सी ते जिस तरह असीं किसानां दीआं 50, 60, 100 या 200 हर पिंड दे विच मोटरां दा बिल माफ कीता होया है, उसे तरह पिंड दे जिहड़े सिटीजन है चाहे उह किसे वर्ग दे है उहनां नूं जिहड़ी पाणी दिंदी है मोटर उहदा भी बिल माफ करां। सेम शहरां विच भी है स्थिति। सो अज असीं इक महत्वपूर्ण फैसले दे नाल शहरां दे विच जिहड़े पानी दे रेट है फ्लैट रेट कीता है, ते उहदे विच 700 करोड़ रुपये दे बकाए है जिहड़े लोकां दे खड़े है, 700 करोड़ समर्थ ना होण करके दे नहीं रहे लोग, इस करके असीं उह 700 करोड़ रुपये पर अज लीक मर रहे हैं, पुराने पानी दे बकाए सारे शहरां दे माफ कर रहे, ते जेड़ा पानी दी टैंकी पर ट्यूबवैल लग्या होया मेरे खरड़ शहर दे विच मैं रहिंदा 45 ट्यूबवैल है, उहनां दे सारिआं दे बिल अग्गे तो पंजाब सरकार भरे करेगी, ते कमेटियां ते उसदा लोड नहीं पएगा, लोकां ते उसदा लोड नहीं पएगा। हुण रेट है जेड़ा 125 तक गज दे प्लाट तक माफ है, उह उसे तरह माफ रहेगा, लेकिन उस तो उपर दे जेड़े है वह पहला बख बख रेट है, 105 रुपये है, फिर 150 है, फिर 250 है, फिर 300 है, प्लाट के साइज के नाल बढ़ते हैं, उन्हां सारिआं नूं फ्लैट करके 105 रुपये जेड़ा मिनीमम रेट है उन्होंने भी असीं अद्ध तो घट ले आए हैं, 50 रुपये असीं रेट फिक्स करता पूरे पंजाब दे विच, सिर्फ 50 रुपये देंगे। ये भी साड़ी केंद्र सरकार दे नाल पंजाब सरकार ने पहला एक कमिटमेंट करी भी है कि जेड़े सरकार दीआं केंद्र दीआं ग्रंटां आउंदीआं उह कहिंदे जी तुहानूं यूजर चार्जेस लेने पैणगे, उस तहत सानूं 50 रुपये मिनीमम लेने पैणे, इस करके असीं 50 रुपये मिनीमम रेट जिहड़ा उह पिंडां अते शहरां वास्ते फिक्स कर रहे। इसे तरह एक बहुत बड़ी राहत शहरां दे हर वर्ग दे हर परिवार नूं असीं दे रहे हां, जिहड़ी कि 700 करोड़ रुपये असीं उहनां दा पाणी दा बकाया माफ कर रहे हां। ते नाल इस दे मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा कि पिंडां दे विच पाणी दीआं टैंकियां दे बिल जिहड़े कि पंचायतां ते खड़े हैं, मेरे इलाके दा पिंड है घड़ूआं, 1 करोड़ रुपया उहनां दा पाणी दा बकाया बिल खड़ा है बिजली दा ट्यूबवैल दा, उन्हां दे ट्यूबवैलां दा 10-15 साल ते जमा नहीं हो रहा।
सरपंच मेरे पास तीए दिन आ जाता है कि जी साडा करेक्शन कटन आ गए। सो ये जिहड़ा सरपंचां दे उपर पंचायतां दे उपर तलवार लमकदी रहिंदी उहनूं बिलकुल खत्म कर रहे हां। साडी कैबिनेट ने फैसला कर लिया, FM साहब ने मंजूरी देती है ते असीं 1168 करोड़ रुपए दे बिजली दे बकाए बिल माफ कर रहे हां पंचायतां दे पिंडां दे लोकां नूं राहत देण वास्ते। इहदे नाल ही पिछले बिल तक दा जिन्ना बकाया है पिंडां दे लोकां दा जिस तरह शहरां दे लोकां दा माफ कीता है, चाहे वह किसे वर्ग दे है, मैं क्लीयर कर दवां। आम तौर ते फिर कह दिंदे जी तां फलाणे दे कीते तां उहदे कीते, इदां नहीं है। जिहड़ा बंदा पिंड च वस रिहा, जिहड़ा बंदा शहर च वस रिहा, उहनां दे पुराने बिजली दे बिलां दे बकाए है जिहड़े, उहनां पर अज असीं लैन मारती है कैबिनेट ने, उहनां तों अगे तों नहीं वसूले जाणगे। अगे तों पहला 166 रुपये बिजली पानी का बिल आउंदा है हर पिंड दे हर बसिंदे नूं। हुण असीं उहदा फ्लैट रेट करता है क्योंकि बिजली का जिहड़ा बिल है अगे नूं, मोटर जिहड़ी चलदी है उहदा बिल सरकार ने देना अगे तों, असीं भरांगे बिजली बोर्ड नूं। बिजली बोर्ड नूं तां पैसे देने पैणे, पंजाब सरकार देगी। ते लोकां दा 166 तों घट के सिर्फ उहनां दा असीं खर्चा कैलकुलेट कीता है कि पिंड दे विच इक बंदा मोटर चलाउंदा, कदे मोटर खराब हो जांदी ठीक करनी पैंदी है, कोई लीकेज हो जांदी छोटी मोटी, 50 रुपये क्योंकि इह केंद्र सरकार दा इक कानून दे विच असीं बज्जे होए आ, सानूं लाउणे पैंदे आ। इस करके 50 रुपये फ्लैट रेट असीं लोकां वास्ते करके दे रहे हां। 50 रुपये च इह उहनां नूं पाणी मिलेगा, 70% दी रिबेट है असीं उहनां नूं देती है। अगे तो पंचायत ने पैसे नहीं जमा कराने बिजली दे सरकार उन्होंने देगी। ये दो बड़ियां राहत, मैं धन्नवादी हाँ अपनी कैबिनेट का, अफसर साहबान का बड़ी सूझबूझ के नाल, और खास तौर पर फाइनांस डिपार्टमेंट का, जिहड़ा कई साडे विरोधी कही जांदे खजाना खाली है जी, ये है जी, वह है जी, पंजाब का खजाना कदे खाली नहीं हुंदा, ना ऐसी खाली होण देना, भरिया रहेगा। और ऐसी पंजाब दे लोकां नूं सही प्रशासन, हर सही सहूलतां जिहड़ियां उहनां दीआं बणदीआं, सही रेटां ते बिजली और पाणी सीवरेज देण लई वचनबद्ध है, सही और पढ़ाई है जिहड़ी उह वधिया क्वालिटी एजुकेशन देण लई वचनबद्ध है, और असीं दवांगे। इस लई इक फैसला, इह दो फैसले मैं तुहानूं दस्से आ जिहड़े वड्डे अज पंजाब सरकार वल्लों लिते गए है। एक होर फैसला है जिहड़ा अज असीं वड्डा लिया है कि पिछलियां सरकारां ने फैसला करता सी कि जिहड़े IAS है ये तां होणगे रेगुलर भर्ती, ए क्लास बी क्लास होणगे रेगुलर भर्ती, सी क्लास रेगुलर, लेकिन जिहड़ा डी क्लास है जिहदे विच चपड़ासी, जिहदे विच ड्राइवर, जिहदे विच बेलदार, जिहदे विच टेक्नीशियन, ज्यादा गिनती जिहड़ी जिहड़े बंदे ने प्लस टू कीती है BA तक रुक गया, या गरीब परिवारां दे बंदे, मिडल क्लास दे बंदे जिन्हां नूं नौकरी नहीं मिल रही, उहनां ने तां इही कुछ लगना हुंदा है। उहनां दीआं जिहड़ी भर्ती है उह आउटसोर्स कर दित्ती सी। असीं उस डिसीजन नूं सरकार दे नूं बदल रहे हैं। हुण क्या करता सी कि जे चपड़ासी रिटायर हो गया तां पोस्ट भी नाले खत्म हो जाणी, अगे इहनूं भर्ती ओ नहीं करना, जे करना है तां आउटसोर्स करना है। आउटसोर्स किन्ना, 5,000 7,000 या 10,000, इहदे च किते गुजारा हुंदा? जिस तों कम लेना है उहदा परिवार भी पढ़ना चाहीदा। इह सरकार दी जिम्मेवारी है कि जिस तों कम लेना है सरकार ने, या जिहड़ा किते कोई काम किसे दे घर कर रहा, या किसे दी दुकान ते कर रहा, किसे दी इंडस्ट्री दे विच कर रहा, उहनूं गुजारे जोगे पैसे मिलण, इह सरकार दी जिम्मेवारी है, असीं इंश्योर करना है। लेकिन जे असीं आप इस तरह करांगे कि आउटसोर्स दे बंदे रखांगे, सारी उमर उहनां दे तलवार लटकदी रहिंदी जद तक नौकरी करदे रहिंदे कि अज कट दे कल कट दे जद मर्जी कट दो, इह सिस्टम नूं असीं खतम कर रहे हां। असीं फैसला कर लिया कि क्लास डी दीआं पोस्टां भी रेगुलर भर्ती होणगीआं, ते असीं हुणे इहनां नूं भर्ती शुरू करांगे। इहनां दी जिन्नीआं पोस्टां खाली है उह भरांगे। गरीब आदमी नूं भी, मिडल क्लास दे आदमी नूं भी उन्ना ही हक है।
डी क्लास दे अफसर या कर्मचारी नू भी उन्ना ही हक है जिन्ना आईएएस अफसर नू है जिन्ना अफसर नू है कि जे अफसर रेगुलर भर्ती हुंदा तां ड्राइवर भी रेगुलर भर्ती होना चाहिए। ये असी फैसला किया। इस दे नाल ही मैं तुहानू बेनती करना चाहुंदा है कि कैबिनेट ने अज बड़ा सीरियस व्यू लिया है जेड़ा बीएसएफ ते सीआरपी केंद्र सरकार ने तुहानू पता है कि उहदा दायरा 50 किलोमीटर कर दिता है। कैबिनेट कुछ दिनां दे विच दुबारे इस ते स्पैशल असी कैबिनेट मीटिंग बुला रहे। असी इस गल तों बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरह के फैसले पंजाब सरकार राज दी सरकार जिहड़ी राज विच लागू किए जा रहे उन्हां तों पुछे बिना नहीं ले जाने चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन नहीं रहने चाहिए। और जेड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसी सक्षम है पंजाब सरकार, सक्षम है जे पंजाब सरकार दी पंजाब दी पुलिस अतवाद खत्म कर सकती है तां ये सक्षम है कि किसी भी घटना नूं होण तों रोक सकती है। और ऐसी हर तरह की लड़ाई देश वास्ते कौम वास्ते अपने सूबे की तरक्की वास्ते लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते करने नूं तैयार है और ऐसी सक्षम है। इस करके 15 किलोमीटर ते 50 किलोमीटर करना किसी तरह भी जायज नहीं है। ऐसी इसका विरोध करते बिल्कुल क्लीयर शब्दों के विच कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मैं चिट्ठी लिखी है FM साडे होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिखी है, कैबिनेट दे विच गल करके पास करांगे, जरूरत पई तां ऑल पार्टी मीटिंग करांगे, बाकी पार्टियां नूं भी नाल लेके चलांगे। ये सारे पंजाब दी लड़ाई है, कल्ली किसी एक पार्टी दी या कल्ले किसी सरकार दी लड़ाई नहीं है। इस करके जे जरूरत पई नहीं होएगा तां स्पैशल विधानसभा दा सैशन भी इस मुद्दे ते सद्या जाएगा। नाल ही मैं सुखबीर बादल जी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, मैं उन्होंने बेनती करना चाहुंदा कि सेंसिटिव इशू है, पूरे सूबे दी गल है, सूबे दी जिहड़ी जो इहदे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट दे रिलेशन है, जो फेडरल सिस्टम साडा कॉन्स्टिट्यूशन सानू दिंदा है उसके अधिकारां दी गल है। इस करके इस नू भड़काऊ शब्दां दे विच ना करो। ऐसी पंजाब दे विच अमन शांति बहाल करना सरकार की जिम्मेवारी है, असी उस ते खड़े है। किसी तरह भी असी अमन शांति भंग नहीं होने देवांगे। जिस तरह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हरिमंदर साहब दे विच आके बढ़ जाएंगे, ये तो हरिमंदर साहब दे विच बाड़ते जी, ये तो चन्नी ने उत्थे देता जी। वो यार सानू तां अगले ने पूछा नहीं, एक ऑर्डर कढ के अखबारा चो पता लग्या कि यह ऑर्डर निकल गया। इस करके इस तरह की भड़काहट सूबे दे विच पाउण की जरूरत नहीं है। सुखबीर बादल जी मैं तुहानू रिक्वेस्ट करांगा कि साडी असी पहला बहुत अतवाद भोग चुके, बड़ा नुकसान किया है। अकाली दल उसका जिम्मेवार है जेड़ा पंजाब दे विच पहला अतवाद आया, इन्हां लोकां ने मर्जी वड़े तैयार करके इन्हां लोकां ने पता नहीं क्या क्या किया कि साडे पंजाब की बहुत जवानी का कांड होया। ऐसी पंजाब नूं मैं तुहानूं इमानदारी नाल दसदा, मैं पिछे जे होम मिनिस्टर साहब नूं मिलिया, उन्हां नूं मैं रिक्वेस्ट कीती कि सरकार जिहड़ी मर्जी आवे, मुख्यमंत्री अगला जिहड़ा मर्जी बने, एक मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदा कि साडा अमन शांति और आपसी भाईचारा सब तो जरूरी है। पंजाब दे विच वख वख धर्मां दे विच आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए, जात बरादरी और धर्मां दे नाम ते साडे बंदियां नूं एकता होनी जरूरी है। इहदे विच जे कोई भड़ाट करदा उह पंजाब दा दुश्मन है, उह देश दा दुश्मन है। इस करके सुखबीर बादल जी अननेसेसरीली बिना मतलब ते हरिमंदर साहब दे विच पड़ जाएगी आके दुर्गियाणा मंदिर च, ये क्या मतलब है गल्लां करन दा। लड़ाई हैगी है फैडरल सिस्टम दी, लड़ाई है पंजाब दे अधिकारां दी, लड़ाई है लॉ एंड ऑर्डर दी। और सरकार पंजाब दी इस नाल पूरी तरीके दे नाल केंद्र सरकार नाल इतफाक नहीं रखदी कि जी इहनूं 15 किलोमीटर तों 50 किलोमीटर कर दिता जावे।
कोई जरूरत नहीं। मैनू यह कहा गया जी ड्रोन आउंदे उधर ते उन्हां दी रेंज 50 किलोमीटर है, ऐ तां उधर ते जहाज भी आउंदे उन्हां दी रेट 200 किलोमीटर है, दिल्ली तक जाती है 250 किलोमीटर तक, उधर ते हैलीकॉप्टर भी आ सकता है, उहदी रेंज उस तों भी ज्यादा हुंदी है। फिर ड्रोन नूं जे रोकना 5 किलोमीटर च रोक लो ना जिथे बैठे हो, 50 किलोमीटर तक करके रोकण दी क्या लोड़ है? इधर साडी पुलिस बैठी है असीं रोकांगे, जो साडी ड्यूटी है असीं करांगे, जो केंद्र की ड्यूटी है वह केंद्र अपने दायरे में रह के करे। एनिया एक मैं होर बेनती करनी है कि अज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मक्खू पट्टी रेल लिंक है जिहड़ी उहदा मुआवजा जिहड़ा उत्थे जमीन अक्वायर होनी है वह पंजाब सरकार बड़ी छेती उहदा मुआवजा दे के अज फैसला ले लिया कि मुआवजा दिता जाए, मुआवजा देके जमीन ऐसी बड़ी छेती उन्हां नूं केंद्र सरकार नूं रेलवे नूं आप खरीद के देवांगे, ताकि यह जिहड़ा रेल लिंक है जिहदे नाल पूरा देश नाल ऐसी जुड़ना, जिहदे नाल पंजाब दी इकोनमी दे उपर बहुत बड़ा फायदेमंद असर होना, यह भी ऐसी अज फैसला कीता कि तुरंत ऐसी दे दी। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। सत श्री अकाल। प्लीज़ साडे चैनल सांझा पंजाब नूं लाइक ते सबसक्राइब करो यूट्यूब ते।